Now coming on to the second part of this same problem. Subjective ki tayari aur objective ki tayari kaise manage ki jaye? Kya subjective ki tayari alag hai? Kya objective ki tayari alag hai? Well, we strongly believe both are concept based examinations. When both are concept based examinations, agar bacche ko ek concept acche se samajh mein aa jaye, फिर वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर वेल. एंड द रिजल्ट्स ऑफ लक्ष्य इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशंस बोथ प्रूव इट. राइट नाउ पॉइंट इज, अलग कैसे हैं दोनों एग्जाम? इट इज जस्ट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव में आपको सेम चीज को बहुत अच्छे से लिख के, डायग्राम बना के, फॉर्मूला लिख के, एक एक वैल्यू लिख के, यूनिट्स लिख के, सॉल्व करके दिखाना होगा. ऑब्जेक्टिव में प्रोबेबली उसी कॉन्सेप्ट को रफ में अप्लाई करके या कोई एक शॉर्टकट लगा के या उसका एक अच्छा सा मेथड लगा के आपको डायरेक्टली आंसर पे पहुंचना होगा. तो ऑब्जेक्टिव में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ ओएमआर भरनी है या आंसर क्लिक करना है. सब्जेक्टिव में आपको वही पूरी चीज सामने वाले को भी समझानी है कि आपने सॉल्व कैसे किया है, सिर्फ इतना सा फर्क है. एंड लक्ष्य पे हम लोग खास ध्यान रखते हैं कि आपके रेगुलर सब्जेक्टिव टेस्ट होते रहे ताकि आपकी लिखने की आदत बनी रहे. स्पेशली आपकी एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस हम करवाते हैं. जब नॉर्मल एनसीईआरटी तो सारे मेन क्लासेस में कवर हो गई, उसके अलावा स्पेशल एनसीईआरटी क्लासेस वेयर इन पर्टिकुलर एनसीईआरटी फ्लो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को समझाया जाता है ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आए, एक स्मूथनेस की फीलिंग आए कि हमारा ये भी हो गया और हमारा ये भी हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कंडक्ट इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो ताकि सब्जेक्टिव और इंग्लिश बोर्ड्स में भी आप बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाएं. सो यू नो एट लक्ष्य यू गेट अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. योर सब्जेक्टिव एंड बोर्ड्स इज आल्सो कवर्ड.